हम आ गए इसमें ब्रॉडकास्टिंग में, अब क्या करना है। नजदीक ले जाएं ठीक है, ताकि आवाज अच्छी आए। ठीक है बोले रेडियो स्टार्ट। शुरू करना है? हाँ शुरू। महफिले यारां को फारूक नाज़की का सलाम पहुंचे। मैं उर्दू का एक तालिबे इल्म हूँ, तकरीबन 70-72 साल से। मेरी एजुकेशन जहाँ हुई थी वहाँ मीडियम उर्दू का ही था। कॉलेज में जाकर के अंग्रेजी कानून को जगाती थी और नए ख्वाब दिखाती थी। मेरे ख्याल है मैं कश्मीरी के साथ साथ उर्दू भी सीखता गया। कश्मीरी तो अपनी माँ ने सिखाई, मादरी जबान है मेरी, और वालिद के साए में रहकर जो उर्दू के जैयद और उर्दू ज़बान से उनकी वाकफियत लोगों को हैरान कर देती थी, उनके साए में रहकर हमने अपने ज़ौक की ज़रा सी तरबियत की है। आज उर्दू के बारे बहुत से खदशात लोगों के दिलों में हैं, बहुत सी परेशानियां हैं कि इस ज़बान का क्या होगा, इस ज़बान के बोलने वालों का क्या होगा। इसके दो पहलू हैं। उर्दू बिलखसूस कश्मीर में वो वाहिद रियासत थी जहाँ ये सरकारी ज़बान थी, अब रहे न रहे ये हमको नहीं मालूम, क्योंकि हमारा सियासी निज़ाम बदल गया है। अब हम यूनियन टेरिटरी में रहते हैं और हमें नहीं पता कि यहाँ की ज़बान सरकारी ज़बान उर्दू रहेगी या हिंदी रहेगी या अंग्रेज़ी रहेगी। जहाँ तक आलमी तनाज़ुर का ताल्लुक है उसको देखते हुए उर्दू अब भी ज़िंदा है, मगर कहाँ जिंदा है। कमर और वो आप कहते हैं जो उर्दू की नई बस्तियां हैं ज्यादा वहां कामयाब होते हैं और